जिससे हम आश्रम को रोक कर मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह पिछली क्लास का सारांश था। अब अगली क्लास के लिए महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस क्लास को प्रारंभ करें। क्या करें अमन जी, थोड़ी लैंग्वेज में करेक्शन करना है आपको। और कर्म को आने नहीं दे, कर्म को आने नहीं दे। क्या है ये? कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु, जो आत्मा पर चिपक कर कर्म बने। और कर्म का आश्रव, कर्म का आश्रव ऐसा नहीं। थोड़ा पहले आप क्या करो, लिख लो अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ जी, अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, आत्मा के अंदर जो जो कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर से आते रहते हैं, अब वो जितने रास्ते हैं, अब उनको हम कैसे रोक सकते हैं, कितने प्रमाण में रोक सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, ये चारों तरफ बनाए हैं कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये सब आत्मा में निरंतर आते हैं, कर्म बन। अब हमको करना क्या है, इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संवर्ग। संवर्ग का सीधा शब्दार्थ क्या है? रोकना। संवरण, संवरण कहलाए। जैसे हम कहते हैं कि घर में से कचरा निकालो। अब निकालना है, लेकिन पहले क्या करता है, जो भी महिलाएं घर में कचरा झाड़ू निकालेंगे, उसके पहले वो खिड़की दरवाजे बंद करेंगे ताकि सामने से वापिस ना आ जाए। वो निकालने की मेहनत करें, फिर डबल आ जाए सब। तो ये क्या है, आने के रास्ते तो है ये। अब इसको कैसे रोकें, इसको कैसे रोकें, ये सब रास्ते जो हैं, ये रोकने के रास्ते जो है। अब इन सब रोकने के रास्तों का नाम जो है वो संवर। अब ये संवर अगर हम रोज की अपनी दिनचर्या में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर जोड़ देते हैं बराबर, तो ये आने वाले आश्रमों को रोक करके आत्मा की सुरक्षा कर लेंगे। शरीर की रक्षा के लिए जैसे आप बाहर ध्यान रखते हो ना, एक्सीडेंट ना हो जाए, रोड क्रॉसिंग या और सब समय में, तो यहाँ आत्मा के ऊपर भी इतना ध्यान रखना है हमको कि जिन जिन रास्तों से बाहर से आने वाले कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, अब उनको रोकें कैसे। अब इनको रोकने के लिए अपने पास जो है वचन योग है, इधर ये काय योग है, इधर ये हमारे पास मनोयोग है। अब ये तो सब बने हुए साधन तो है ये सब। अब जो बने हुए साधन है तो आत्मा को तो इनसे ही काम लेना है। आप देखिए, आप मालिक ओनर हो और घर में सर्वेंट रखे हैं, अब काम तो उनसे ही लेना है ना। तो इसी तरह से आत्मा ने अपने लिए सब कुछ क्रिया करने के लिए मन वचन काया इंद्रियों को साधन के रूप में बनाया है। आत्मा अकेला चेतन है, ये चेतन है। अब इसने अपनी तरह से संसार के व्यवहार में सब प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति करने के लिए इधर मन बना लिया, इधर वचन बना लिया, इधर काया बना ली, इधर इंद्रियां बना ली। है ये सब जड़ के साधन। आपका मोबाइल भी तो जड़ साधन है, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिवाइस। अब उसके माध्यम से आप बोलना सुनना देखना सब कुछ करोगे। आत्मा को अगर इस समय कोई भी क्रिया प्रवृत्ति कुछ भी करना है तो मन वचन काया के योगों से करना है। अगर आप संवर नहीं करोगे तो फिर आश्रम होता रहेगा। घर की खिड़की दरवाजे बंद नहीं करोगे, बारिश का पानी आता रहेगा, डस्ट धूल मिट्टी आती रहेगी, धुआं आता रहेगा, जो भी है वो आएगा। आपको रोकना है। आपको रोकने के लिए पहले आपको किसी न किसी रूप में संवर करना है। रोकने के लिए हम क्या करें, ये विशेषता है। तो जो रोकने के लिए विशेषता करनी है वो ये है वस्तु कि हम कैसे रोक सकते हैं, कितने प्रमाण में रोक सकते हैं, किस तरह से हम रोक सकते हैं, ये पुरुषार्थ हमें करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब जितने तरीके हैं इनके अंदर ये जो है संवर के अंदर हमने अभी यहाँ पर जो विभाग लिए, आज हम पहला विभाग संवर के अंदर ले रहे हैं जिसका नाम है अष्ट प्रवचन माता। ये प्रसिद्ध नाम ये दिया गया है।
अब इसके अंदर दो विभाग में पांच समिति है और ये तीन जो है वो गुप्ती है। अब ये इन पांच और तीन, ये आठ जो है, इस आठ को पहले आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है देखिए, नंबर एक में आश्रव होने में आपके पास सबसे बड़ा रास्ता क्या है? हम रास्ते में चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, कुछ भी है तो रास्ते के अंदर जीव जंतु का मरना, चींटी मकोड़े, छोटे छोटे प्राणी है, कहीं पानी है, कहीं बीज है, कहीं वनस्पति है, कहीं पृथ्वी काय के, कहीं अब काय के। अब ये सब निमित्त तो है ही ना। हर व्यक्ति घर में तो बैठा तो नहीं रहेगा, आना जाना तो रहेगा, क्रिया प्रवृत्ति, काय क्रिया प्रवृत्ति तो रहेगी सब। अब वो उसके माध्यम से ये सारे कार्मण वर्गना के ये पुद्गल परमाणु, ये ढेर सारे हमारी आत्मा में आने के लिए तैयार है। इनको कुछ नहीं करना है, ये तो जड़ पुद्गल परमाणु है। आत्मा अपनी तरह से रास्ते चलते, आते जाते, उठते बैठते समय जिन जीवों की विराधना की संभावना है, अब उनको रोक सकती है कि नहीं रोक सकती? इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक पहली समिति जो है वो है इरिया समिति। अब ये इरिया समिति है, देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये स्थान जो है बिल्कुल जमीन के साथ संबंधित है। गर्मी के दिन शुरू हुए हैं तो बाहर से चींटी मकोड़े निकल करके सीधे जो है हॉल में आते हैं, रास्ता आना जाना लोगों का यही है। हम लोग क्या करते हैं, हमने अपनी तरफ से ये जो है जिसको बोलते हैं उलन का छोटा सा हल्का सा, बहुत सॉफ्ट है, तो हम चलते समय बरोबर इसका उपयोग करते हैं। हमने यहाँ पर सबको दिखा दिया, सबको एक एक दे दिया, आप भले गृहस्थ हो लेकिन इन साधनों का उपयोग करिए, ताकि रास्ते चलते चलते क्या है, एक बार में हल्का सा स्पर्श किया कि इसका स्पर्श बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, ये उलन की है, तो ये क्या होता है, इससे चीटी बाजू में रहेगी, आप पैर रख करके चले जाइए। अब दिन हो या रात हो, दिन में भी लोग अगर ध्यान से नीचे नहीं देखेंगे तो पैर के नीचे चीटी आ सकती है। अब एक चीटी भी तेंदुए जीव है ना आखिर, अब उस जीव की भी हिंसा विराधना तो हो सकती है ना, तो हमको बचना तो है ना आखिर, कैसे बचेंगे? एक बार अगर पैर रखा, एक बार आए गए, अब एक दो चींटी मरी, दोपहर को आए, शाम को आए, दो रात को आए, रात को भी आना जाना चलना पड़ा, अब एक दिन के अंदर 20-25 चींटी मर जाए भागशाली, तो तेंदुए जीव है, अब वो मरेंगे क्या करेंगे साहब, कैसे करेंगे? रात हो जाती है, मॉस्किटो जो मच्छर है ऐसा, तो नेट लगा करके अंदर सो जाते हैं ताकि आकर के मॉस्किटो न मरे सा। जिन जिन जीवों की विराधना जितनी संभावना है, तो ये है पहली एरिया समिति। आपने किसी भी तरह से इन जीवों को देखकर विवेक बुद्धि से सुरक्षा की, आपके अंदर ये कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं आए और जीव विराधना का कर्म बंधा आत्मा को नहीं। तो ये जो आत्मा के अंदर की जो है, अब ये इतनी जगह आपको बिल्कुल ब्लैंक खाली रही, नहीं तो अभी कर्म से भर जाती, कार्मण वर्गना करके आत्मा पर चिपकती तो कर्म बन जाता, एक एक मिनट भी नहीं लगती था। ऐसे स्थिति में क्या करना, अब ये है तो इसका नाम क्या दिया है, जैना धर्म। अब जैना मतलब जीव रक्षा, ये जैन धर्म के कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो बनाए गए हैं, जीव रक्षा। अब चाहे वो खाने पीने की प्रवृत्ति हो, आने जाने की, चलने उठने बैठने की, जिसकी जो भी क्रिया प्रवृत्ति हो, आखिर जीवों की रक्षा करनी तो है, अब कैसे करोगे? अब सहेतु होना चाहिए हमारी बुद्धि के अंदर, ये बात सेट हो जानी चाहिए
ये हमारे बाजू में बैठे हैं यहाँ पर विरालेम के मैनेजर साहब, अब इनको खुद को अपनी बुद्धि में बात बैठ गई, इनको एक दंडासन दिया गया है, ये बरोबर विवेक पूर्वक चलते उठते आते जाते हैं, ताकि इनकी मानसिकता हो गई अब कि भाई इतनी चींटियां हैं तो हमको जीवों की रक्षा तो करनी है। अब चाहे आप दो बार झाड़ू निकालो, दो बार पोछा लगाओ, साफ सफाई कितने भी करो, लेकिन अब जमीन पर बाहर गर्मी बढ़ेगी तो ये जीव जंतु अंदर आ जाते हैं। सबको जीवन प्यारा है ना, और सबको जीना है, तो क्या करेंगे सोचिए आप। ऐसी स्थिति है और ये होना ही होना है, ये चलना ही चलना है। अब सब जगह पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि गांधी भी ना बोल दे कि हमारे कैलिफोर्निया में कोई वहां चींटी मकोड़े होते ही नहीं है साहब, कोई ये बोले कि नहीं हमारे यहाँ तो है ही नहीं। भाई साहब संसार है, आखिर ये जीव कहाँ जाएंगे, ये भी तो पैदा होते हैं ना। मनुष्यों से असंख्य गुनी ज्यादा चींटियां हैं, मनुष्यों की संख्या से बड़ी बहुत बड़ी संख्या में चींटियां हैं, बहुत बड़ी संख्या में मॉस्किटोज है, बहुत बड़ी संख्या में सब कुछ है। लोग रात दिन जो है इन जीवों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज दिन तक कोई दुनिया मॉस्किटो के बिना की नहीं हुई, बिना चींटी की नहीं। अब ये जो निमित्त है बहुत बड़ा निमित्त है, अगर एक बार हमारी एक मानसिकता बन जाती है, मानसिकता बनने का मतलब अंदर आत्मा के भाव परिणाम बन जाते हैं, मुझे जीवों की रक्षा करनी है, मेरे निमित्त से निरर्थक जीवों की विराधना हिंसा न हो, नहीं तो मुझे कर्म का बंध होगा, मेरा शरीर तो शरीर ही है, शरीर तो जड़ पुद्गल का पिंड है, आखिर एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना है, जाने वाली तो चेतन आत्मा ही है, और कर्म बंध तो आत्मा पर ही होने वाला है। अब वो कर्म बंध आत्मा पर होगा तो आत्मा को भुगतना भी तो पड़ेगा ना, सोचिए आप समझे कि नहीं। तो जीव रक्षा तो अनिवार्य हो गई, अनिवार्य रूप से हो गई, जीव रक्षा नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं था। अब दुनिया के सभी धर्म ने ऐसी व्यवस्था नहीं बैठाई है, सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के सभी धर्मों ने क्यों नहीं बैठाई व्यवस्था। अब इन चींटी मकोड़ों को तो कोई जीव मानने को ही तैयार नहीं, करना क्या। अब आप इनको जीव ही नहीं मानोगे तो रक्षा कैसे करो। हमको तो महावीर स्वामी भगवान ने 10 वैकालिक आगम में पहले सिखाया है, परमं नानं तहो दयां, सर्वप्रथम इन जीवों को जानो, जीवों का ध्यान रखो, अब जाकर के इनकी रक्षा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब जीवों को जीव ही नहीं मानोगे तो कैसे करोगे, कौन रक्षा करेगा, कौन बचाएगा इन जीवों को। अब महावीर स्वामी ने जब इन जीवों को जीव संज्ञा देकर बताया है, अब उसका आचरण पालन करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। अब हम इन जीवों की रक्षा कैसे करें, कैसे करें, सोचिए। तो ये अनिवार्य था, अब दूसरा विकल्प ही नहीं है साहब, नहीं तो रोज निरंतर अगर हमारी रोज जीव हिंसा, रोज जीव विराधना होती रहेगी। अब आप सोच लो, मैंने अभी कैलकुलेशन बताया आपको कि एक दिन की 20-25-50 चींटी की हिंसा हो, एक दिन की अंदाज से किसी का कोई फिगर कम ज्यादा जो भी आए, तो 1 महीने के 30 दिन हुए, 12 महीने के 360 दिन। अब 12 महीने के 360 दिन के साथ 20-25 का मल्टीप्लाई करिए, गुणाकार करिए, तो मैंने 1 साल के अंदर मेरे निमित्त आने जाने के निमित्त चींटियां कितनी। अब इसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना, आखिर कर्म तो आत्मा पर है। ये देखिए, ये आत्मा पर अगर मैं यहाँ पर एक 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 का अलग अलग बता करके कर्म बताऊं, ये कर्म, ये कर्म, ये कर्म, ये कर्म, अब ये खाली चींटी मकोड़े का कर्म बता रहा हूं, अब इसमें इतनी विराधना हुई तो इतनी विराधना के साथ अगर इतना कर्म, अब मेरे आत्मा के घर में इतना एक विभाग का यह कर्म सिर्फ चींटी की हिंसा का निमित्त बना, अब मैं दूसरे कितने, अब मॉस्किटो के क्या कहां लिखूं, ये मैंने चींटियों की विराधना कर लिया, अब ये मैंने मच्छरों की विराधना कर लिया,
अब इसमें इतने प्रमाण में जो है ये जीव, मैं 24 घंटे के अंदर सब निमित्तों से, फिर खाने पीने के, फिर रसोई के, फिर बनाने आदि के, हर निमित्तों के मैं खाली जीव विराजता बस, तो मेरे आत्मा में कर्मों का प्रमाण कितना होगा। अब उसको एक महीने से 30 दिन से गुणाकार करिए या साल भर के 360 दिनों से मल्टीप्लाई करिए। क्यों हम करते हैं? संवत शरीर प्रतिक्रमण करने का उद्देश्य क्या है? या राय देवसी प्रतिदिन के प्रतिक्रमण या पक्ति चौमासी के प्रतिक्रमण करने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? यही तो है। हम हमारे निमित्त मेरे चलने आने जाने गति प्रवृत्ति आदि करने से जिन जिन जीवों की विराधना हुई, सबसे पहले तो मैं उनकी क्षमापना तो करूंगा। अब मैं बाद में गुरु महाराज के पास जाकर के प्रायश्चित लूं और इस प्रायश्चित से मैं अपनी आत्मा को व्यापी शुद्ध कर दूं सा। अब पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, प्रायश्चित लेकर पूरा किया, तो ये विराधना का कर्म जो बंधा था वो निकल सकता है। वो निकल जाए तो आत्मा पहले जैसी शुद्ध हो जाए ना, ये जरूरी है। आत्मा शुद्धि का ध्यान कितना रखना चाहिए? आप एक बात समझिए कि लोग जो है नया कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े गंदे ना हो जाए, इसका कितना ध्यान रखते हैं? तो क्या हम आत्मा को गंदा होने से बचा नहीं सकते हैं? कपड़े गंदे होंगे तो आप धो लेंगे। आत्मा अगर कर्म से मैलिन मलिन मैली होती है, आप कैसे धोएंगे भाई साहब? आप क्या सर्फ को पानी में घोल के पी लेंगे, धुल जाएंगे? अब किसी धर्म ने व्यवस्था बैठा दी, चलो भाई एक काम करो, जाओ गंगा नदी के अंदर डुबकी लगाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कोई कहता है नर्मदा नदी को प्रदक्षिणा दे करके फिर वहां डुबकी लगाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अब कोई धुलते हैं क्या भाई साहब? नदी में स्नान करने से पाप धुलते हैं? लेकिन अब एक धर्म ने अगर व्यवस्था बैठा दी, सिद्धांत दे दिया, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर है तो भी जाएंगे, वो भी गंगा में स्नान करके आएंगे, मेरे पाप धुल जाए। अब वो प्राइम मिनिस्टर जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म की श्रद्धा है, उनके उनके हिसाब से उनका वो सम्यक दर्शन हो गया, वैसा ही। अब वो जाएंगे, वो जाकर के डुबकी लगाएंगे, गंगा में स्नान किया और मान लिया कि मेरे सब पाप धुल गए। अब महावीर ने ऐसा नहीं कहा। महावीर स्वामी ने कहीं पर ऐसी बात नहीं कही कि इधर जाके धुलो स्नान करो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, इधर जाके स्नान कर लो पाप धुल जाएंगे, कुछ भी नहीं। अब पाप धोने की बात तो बाद में आएगी निजरा धर्म, अभी पहले तो नए पाप होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? जो नए पाप हमारी जिंदगी में रोज हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम क्या करें? इसके लिए महावीर स्वामी ने संवर को धर्म के रूप में बताकर व्यवस्था की। भाई भगवान का तो आयुष्य पूरा हो गया, वो तो मोक्ष में चले गए ना, लेकिन उनके मोक्ष में जाने के बाद 2548 बरस के बाद आज हमारा जन्म हुआ है। हम संसार के व्यवहार में आए, हम जीवन जी रहे, हम चल रहे हैं, तो हमको व्यवहार में विवेक उपयोग रखना पड़ेगा कि नहीं? घर में एक मम्मी है, अब वो जो है दूध बनाई, शक्कर डाला दूध के अंदर, थोड़ा सा दूध नीचे गिर गया। अगर वो चैन श्रावी का है, समझती है कि यहाँ तुरंत जो है शक्कर की मिठास के कारण चींटियां आएगी। अब बच्चे तो घर में छोटे हैं ये ना, अब बच्चे तो नादान है, वो तो समझते भी नहीं, वो तो खेलेंगे। अब खेलने कूदने में, पकड़ा पकड़ी करने में, इधर से इधर दौड़ा, इधर से इधर दौड़ा, फटाक से उसके ऊपर पैर आ गया। अब वहां 50 चींटियां थी और दूध के अंदर शक्कर के कारण, और बच्चे का पैर आया सब। अब एक साथ में 50 चीटी की हिंसा हुई, पाप लगेगा तो सही ना,
ये प्राणातिपाती तो हुआ है, जीव हिंसाई तो हुई है ना। अब बच्चे को तो मालूम ही नहीं है, आप क्या बोलेंगे साहब, बच्चा तो अनजान है, नादान है, छोटा है। कई लोग ये सिद्धांत बनाते हैं भाई साहब, जब अनजान है नादान है तो उसको तो पाप लगना ही नहीं चाहिए, कर्म बंद होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो घर में ये विवेक रखना किसका काम है, माँ का काम है। अब माँ घर में विवेक रख ले, दूध गिर गया है थोड़ा सा, हो सकता है गिरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो गिरा है ना, अब 2 मिनट पहले फटाक से जल्दी साफ कर लो, न तो चींटी आए, न बच्चे का पैर करे, तो न चींटी मरे, न बच्चे को पाप लगे, न किसी को। ये है जैना धर्म, विवेक का धर्म है। तो यहां पर पहले हमने क्या किया, चलते आते आने जाने आदि जिस निमित्त से रास्ता, एरिया, एरिया मतलब क्या, रास्ता, आ गया ख्याल में, एरिया है रास्ता। अब इसके साथ में संवर के धर्म का जो मुख्य शब्द है वो जोड़ दिया, एरिया समिति। अब ये समिति शब्द हमको कितने हैं, 5 विभाग में, 5ों में जोड़ना है। तो हमारा विवेक धर्म इतना व्यवस्थित हो जाए, आपको बरोबर उपयोग भाव में जागृति आ जाए, हम सब जीवों की हिंसा से बचेंगे। मैं कोई भी जीव हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कैसा भी हो, उन जीवों की हिंसा से मैं बचूंगा और उन जीवों की भी रक्षा करूंगा। आप अभी ये मत सोचिए कि मैं एरिया समिति रास्ते चलते आते चीटी मकोड़े, अरे भाई साहब आप बाइक भी चला रहे हो, कार भी चला रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, एक छोटा कुत्ते का बच्चा आ जाएगा तो, एक बिल्ली आ गई तो, एक भाई साहब ड्राइविंग कर रहे थे, फास्ट जा रहे थे, बिल्ली रोड क्रॉस कर रही थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, अब बिल्ली अपने मुंह में एक एक बच्चे को लेकर इधर से उधर क्रॉस कर रही, अब बिल्ली के 7 बच्चे हैं, सब क्या करना, और बिल्ली के हाथ हाथ तो है नहीं कि उठा करके छिपा करके लेकर चले, एक एक बच्चे को मुंह में उठाया है, फटाफट क्रॉस कर रही, और एक भाई साहब ने बाइक इतनी फास्ट चला दी, वो सीधी गाड़ी जो है बिल्ली पर चढ़ गई, फास्ट बाइक थी, बाइक पर गाड़ी पर चढ़ी, अब बिल्ली मरी, बिल्ली के मुंह में बच्चा था वो भी मरा, 2 पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, दोनों पंचेंद्रिय जीव। ऐसे ही यहां पर जो है, ये बॉम्बे से पुनः आते समय यहाँ लोनावला खंडाला घाट पहाड़ी है, पहाड़ियों के घाट सेक्शन में बंदर का, अब उधर जो है एक बड़ा बंदर माँ है और एक छोटे से बच्चे को गोद में ले करके रोड क्रॉस करके फटाक से जा रहा, आखिर ये भी प्राणी है, समझते हैं, जानते हैं, इसने इधर की गाड़ी देखी लेकिन पीछे से उधर की गाड़ी पर उसका ध्यान नहीं गया और ट्रक आते ही सीधा ट्रक का पहिया उस बंदर पर चढ़ गया। अब वो बंदर भी मरा, उसके साथ चिपका हुआ उसका बच्चा था वो भी मर गया। अब 2 जीवों की हिंसा तो हुई कि नहीं हुई, चलो ये तो हमारी आंख के सामने है कि मार्ग में जाते आते भाई आप कार चला रहे हो, जाते आते हो, अब लोग चीज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, अब चीज भी बनती है तो किसमें, सब रेनेट के लिए प्रेग्नेंट काउ को मारी जाती है पर्पसली जान बच कर, तो काउ गाय मरेगी तो उसके पेट में बछड़ा है वो भी मारेगी तुरंत, उसको गाय को मारते ही तुरंत बछड़े को खींच करके बाहर निकाल के उसी क्षण उसको मारेंगे और फिर उसमें से रेनेट निकाल करके वो डाल करके चीज बनाते हैं, ये प्रोसेस है। अब जो भी लोग चीज खाते हैं खाने में आती है, अब वो 2 पंचेंद्रिय जीव गाय और बछड़े दोनों की जीव हिंसा के भागीदार हुए कि नहीं। यहां रास्ते की बात हमने की, एरिया मतलब रास्ता। अब एरिया वे का पाठ सबको आता है, संप्रदाय कोई भी हो सभी के संप्रदाय में एक तरीका पाठ, एरिया वयम पड़े इच्छामि परिकम्यम् एरिया वैयाये विराहणाये गमना गमणे,
मतलब गमन आगमन करते हुए, आते जाते हुए आपने किन जीवों की हिंसा विराधना कैसे की है, कितनी, ये है हिंसा का निमित्त। अब ये होती है हिंसा तो होनी, तो पहले अगर आप बच जाएंगे तो आपको कर्म बंद नहीं होगा, आपकी आत्मा की जगह शुद्ध खाली रहेगी। सर ये फायदा है, ये विशेष बरोबर हमको इससे जो है आत्मा को शुद्ध रखना है, सुरक्षित रखना है, कोई कर्म बंद ना। तो इसके लिए क्या क्या क्रिया समझते, अभी आप यहाँ पर ये देखिए, दूसरा रास्ता जो है ये वचन योग है। अब इस वचन योग से हम जो जिस प्रकार की जैसी भाषा बोलेंगे, देखिए महावीर स्वामी भगवान ने साफ बात की है, भाषा बोलने से कई प्रकार के कर्म बनते। सबकी भाषा अच्छी है ऐसा नहीं है, सबकी भाषा ऊंची है ऐसा नहीं है, सबकी भाषा रिस्पेक्टिव लैंग्वेज वाली है ऐसा भी नहीं है। तो ये कार्बन वर्गना तो रेडी है ना यहाँ पर, तो अब ये तो बिल्कुल तैयार है, ये आएगी आत्मा के अंदर गुस्से की, तो फटाफट यहाँ पर ये कर्म बंधन होना ही होना है साहब। वचन योग की भाषा से कर्म बंधन होता है। अब बोलिए आपको बचना है, आपको कर्म बंधन से होने से बचना है तो भाषा प्रयोग तो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दूसरे क्रम पर भाषा समिति का पालन करना है। ये भाषा बोलने में आपका विवेक आ गया, ये आपके रूप गए साहब, यही रूप गए। अब आपको वचन योग की भाषा का नया कर्म बंध नहीं होगा। भाषा समिति के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मुंह पर मुपत्ति बांध ली तो भाषा समिति हो गई क्या। ये मुपत्ति से भाषा समिति का उपयोग नहीं हो रहा है। भाषा बोलने के अंदर दूसरे की आत्मा को दुख हो ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, वचन प्रयोग ऐसे हो रहे हैं, शब्दों का चयन आप कौन सा कैसा कर रहे हैं, किस प्रकार की कैसी भाषा बोली जा रही है, हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है सा। और जीव आत्मा अपने अंदर कर्म लेकर के आया है पिछले जन्मों से। अब माँ बाप का कर्तव्य है कि मात्र बालक को जन्म दे दिया इतना ही नहीं, उसके जो कर्म है अब उसके कर्मों को दबाने के लिए माँ बाप ये संस्कार ज्यादा डाले। अब वो कर्म लेकर आया है 500 गुने, 500 गुने कर्म के ऊपर माँ बाप 5000 गुने संस्कार डाले, तब जाकर उनके कर्म जो है वो सत्ता में दबे रहे और बेटा ऐसी सुंदर अच्छी भाषा विवेक से बोलने लगे ताकि उसको जो है उस प्रकार के नया आश्रव हो गई नहीं, नया कर्म बंद हो गई नहीं। ये बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है सोचिए समझे के नहीं। अब ये संस्कार हर किसी को डालने जरूरी है। सब जीव कर्म लेकर आते, सब अपने अपने कर्म लेकर आते, तो कर्म जब लेकर आएंगे तो अब वो तो पिछले जन्मों से आ रहे हैं ना। अब कौन सा जीव किस जन्म से आ रहा है, किस गति से आ रहा है, कौन कहां से आ रहा है, भाई साहब जिसने आकर के माता पिता को निमित्त बनाया, अब माँ बाप तो क्या करेंगे, सब जन्म देंगे। स्त्री क्या करेगी साहब, स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर में गर्भाशय है, अब वो 9.5 महीने रख करके जन्म देगी, बस उससे ज्यादा उसके पास क्या है। ठीक है अब मोह माया है, ममत्व है, अब उसको बेटा 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 करते 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 खिलाते पिलाते बढ़ाते, अब उस जीव के अंदर जो पूर्व जन्म के कर्म है वो भी तो उदय में आएंगे ना, वो उछलेंगे अंदर से। आपने देखा ना समुन्द्र में लहरें कैसे उछलती है,
अब ये बाहर निकलेंगे। तो यहां पर ये भाषा के कारण जो है ये कर्म बंध हमको होना ही होना है। कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु वचन योग से आत्मा में खींचे आएंगे और फिर आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक जाएंगे, ये कर्म बंध होगा। अब आपने भाषा समिति का विवेक रखा है, बोलने के अंदर मैंने देखा ये हमारे वडील हैं, मेरे से ज्येष्ठ बड़े हैं भाई साहब, मैं इनके सामने बिल्कुल हल्की भाषा नहीं बोलूंगा, ये मेरे पिताश्री हैं, ये मेरे मातुश्री हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे दादी जी हैं, कोई भी हो, व्यवहार में कोई हो, कहीं पर भी कोई हो साहब, आप परिवार में जीवन जीते हो, आप समाज में रहते हो, बोले चाले बिना तो हमारा व्यवहार चलने वाले ही नहीं है, प्रतिदिन बोलना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम उच्च गोत्र में आए हैं, ये यहाँ पर क्या है, ये गोत्र कर्म है, ये दो विभाग है, ये उच्च गोत्र है और ये नीच गोत्र है, ये दो कर्म है। अब क्या हुआ, जो हम नीच गोत्र में होते तो वहां की लैंग्वेज हल्के लेवल की, हल्के स्टैंडर्ड की, बिल्कुल लो लेवल की। अभी हम यहाँ पर उच्च गोत्र में आए हैं, उच्च घराने में पैदा हुए, उच्च कुल में पैदा हुए, हमारी लैंग्वेज ऊंची होनी चाहिए, हमारे संस्कार ऊंचे होने चाहिए, हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए, हमारी भाषा उच्च कक्षा की, हमारे संस्कार उच्च कक्षा के, हमारा आहार विहार खान पान शुद्ध उच्च कक्षा का होना चाहिए, सब चीज ऊंची होनी चाहिए। नहीं, फिर हमने हल्के प्रयोग किए, हल्की भाषा का प्रयोग किया तो फिर नीच गोत्र बांध देंगे, फिर नीच गोत्र बांध करके फिर वहां पे जाएंगे, फिर कर्म बंद होगा, फिर क्या करो, बचना तो है ना, आखिर बचेंगे कैसे, बचना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम जिस गोत्र के हैं, उच्च खराने के हैं, ऊंची खानदान के हैं, हमारी लैंग्वेज ऊंची होनी चाहिए। फायदा क्या होगा, जब हमारी भाषा उच्च कक्षा की हो जाएगी तो ऐसी उच्च कक्षा की भाषा में हमको जब क्रोध भी आएगा, गुस्से भी आएंगे ना, तो भी हम हल्के शब्दों का, हल्की भाषा के, गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत अच्छी ऊंची भाषा के संस्कार बनने चाहिए। हम लोग जयपुर में थे, चातुर्मास था, बहुत वर्षों पहले की बात है, एक छोटा सा 3-4 बरस का बच्चा आता था हमारा सबको गोदरी बुलाने के लिए ले जाने, और थोड़ी देर हो गई, अब बच्चा वहां पर खेलकूद करते हुए ऐसे, तो एक उनके पीछे उसकी मम्मी दौड़ती हुई आई, मम्मी ने देखा कि ये किसके साथ कैसा बोल रहा है, वहीं से मम्मी ने डाका, फिर पास में आई, फिर उसको समझाया, आप ऐसा क्यों बोलते हो, बहुत अच्छी मम्मी की भाषा इतनी उच्च लेवल की थी, तो मैंने सहज उनको गोदरी जाना था, मैंने पूछा माता जी ये तो आपका बेटा है ना, अभी 3-4 साल का है, आप को बोलते, आप उसको आप बोलकर बुला रहे हो, आप उसको ऐसे अच्छे शब्द सिखा रहे हो, महाराज साहब एक ही तो बेटा है, अब ये अगर अच्छी ऊंची भाषा नहीं सीखेगा तो क्या होगा, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ और इसके पापा तो इससे डबल सेंसिटिव है, और ये एक शब्द भी खराब बोल देगा, कटु बोल देगा, उस दिन कितना दुख होगा, तो मैं रोज इसकी यही चिंता करती हूँ कि रोज इसकी लैंग्वेज अच्छी, भाषा अच्छी बोलूंगा मैं, अगर ऊंचे शब्द अच्छे बोलूंगा तो उसके दिमाग में प्रिंट होगा, तब जाकर वो भी तो आप शब्द बोलना शुरू करेगा ना। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो आप इतने संस्कार अच्छे दोगे, उसके बाद में जब बच्चा स्कूल जाएगा और फ्रेंड सर्कल में कोई हल्के स्टैंडर्ड के, निम्न लेवल के अगर कोई आ गए घुस गए तो क्या होगा, अब हमारा साहब मैं स्कूल तो नहीं जा सकते हूँ, मैं यहाँ से ही उसके अच्छे संस्कार से अच्छे फ्रेंड सर्कल तैयार करूंगी ताकि हल्के बच्चों के बीच में ना चला जाए। तो ये भाषा समिति, चलो बचपन में तो माँ ने ध्यान रख लिया, बचपन था वहां तक मम्मी ने संस्कार दिए, अब आप बड़े हो गए,
अब आप बड़े जो है संसार के व्यवहार में समाज में हो, वहां तो सबको अपना अपना समझना है कि मैं भाषा कौन सी बोलूं, मैं कैसी भाषा बोलूं, मैं किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कैसे करूं, ये तो हमको कदम कदम पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। ताकि क्या होगा कि हमारी भाषा के अंदर जब लेशाएं मिल जाएंगी, कसाएं मिल जाएंगे, तब भाषा का स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, लेवल नीचे उतर जाएगा, कहीं ऐसी गलती ना हो जाए, समझेंगे। तो ये हमको बहुत ध्यान रखने का, इतना उपकार किया है परमात्मा ने समिति, ये संवर धर्म के अंदर 5 समिति में ये दूसरी समिति बताई है भाषा समिति, ये पहली समिति बताई है एरिया समिति। एक 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 विषय बताया है। अब ये तो डे टू डे लाइफ में चल रहा है। चलो आप लोग सामायिक लोगे तब मुपत्ति बांध लोगे, ठीक है। अब सामायिक नहीं लोगे तब 24 घंटे क्या करोगे, क्या करोगे सर? हर समय आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, कहीं जाओगे तो मुपत्ति बांध के जाओगे क्या, और उससे समिति पालन हो जाएगी क्या? जी नहीं। मुपत्ति से विवेक रख लेंगे हम, झगड़ा पाल सकेंगे, लेकिन बोलने का कंट्रोल तो अपना आप कर रहना, बोलने का विवेक तो हमारे खुद पर आना ही चाहिए। अब इस तरह से आप चलते जाइए, देखते जाइए हम किस समय किस प्रकार के किन समितियों का पालन कितने प्रमाण में हम कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी समिति। अब यहां पर आपको ये तीसरी समिति जो देखनी है, ये तीसरे नंबर पर जो है, ये भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ध्यान रखना सब आने वाले हैं, जो प्रतिदिन आते ही रहे तो अब रोकना है हमको। तीसरे नंबर पर आपको क्या रखना है, एसरा समिति। ये अधिकांश तो साधु जीवन के लिए है और श्रावक जीवन के लिए भी है, तो कोई ना नहीं है सब। आपको हर वस्तु जहां देखनी है, कहां क्या है, कहां मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। साधु संत गोदरी पानी के लिए जाते हैं तो हमको 42 प्रकार के तो गोदरी लाने आदि के निमित्त के दोष बताए और 5 उसमें जोड़े, जब ला करके हम बैठ करके मांडले में वापरते हैं तब के दोष बताए। हर बात का ध्यान रखा गया है, हर एक प्रकार का, समझे कि नहीं। तो ऐसा है, आहार पानी लाने आदि के निमित्त को देखना है, आपको भी देखना है। अब आपको भी तो यही काम है, आपको घर में रसोई बनानी है तो बाहर से जाना है, बाहर से लाना है, वेजिटेबल्स लाएंगे, फ्रूट्स लाएंगे, आप वस्तुएं लाएंगे करेंगे तभी तो होगा। तो ये निमित्त जो है हम किस तरह से बच सकते हैं, मुख्य रूप के साधु जीवन की बात जब की गई है तो यहाँ पर हमको भी आहार पाने के लिए प्रत्येक बार में जैना धर्म का विवेक पूरा रखा, उपयोग रखा गया। ये जैना धर्म है, साधु जीवन हुआ तो क्या हुआ, आप ये मत समझिए कि हम साधु बन गए दीक्षा ले ली मतलब नहीं, अब हमको कोई पाप लगेगा ही नहीं, अब हमको जो है आश्रय हो गई नहीं, हमको कर्म बंध हो गई नहीं, जी नहीं। महावीर स्वामी ने कहा है कि साधु जीवन में भी आश्रय होते हैं, कर्म बंध हो सकता है, कोई ना नहीं। इसलिए बचाने के लिए, अब जब साधु जीवन को भी बचाना है, उनको सुरक्षित रखना है, तो ये संवर धर्म की व्यवस्था में इतना समिति रखी। अरे भाई दीक्षा ली, संसार छोड़ा, साधु बने, लेकिन शरीर तो यही है ना, शरीर तो यही है। अब शरीर का तो देह धर्म है, आहार निहार विहार, ये तो शरीर का देह धर्म है, ये तो चलने ही वाला है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला है। आहार आदि की प्रवृत्ति कोई सर्वथा बंद तो हो ही नहीं सकती है। आखिर कितने उपवास करेंगे, कितने उपवास करेंगे, पूरी जिंदगी तो उपवास नहीं हो सकते। तो भगवान ने विवेक पूर्वक का धर्म जरूर बताया है, सब बहुत अच्छा धर्म, जैना धर्म इतना अच्छा विवेक पूर्वक का धर्म बताया है कि आप बरोबर अपनी आत्मा को
बचा सकते हो। आहार शरीर के लिए अनिवार्य है, लेकिन आहार के कारण कर्म बांधना अनिवार्य नहीं है। आप आहार की प्रवृत्ति से भी आत्मा को बचा सकते हो, आहार करते हुए भी बचा सकते हो, आहार के पहले भी आप अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हो, बचा सकते हो। ये ध्यान जरूर रखिए, बहुत काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए इतना अच्छा सुंदर संवर धर्म है। अब ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कैसे आचरण में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इस संवर धर्म की बात कर रहे हैं। अब इसके 57 पॉइंट सारे तो जो दिए गए हैं, अभी तो ये 1-2-3 हुए हैं, अब धीरे धीरे समझते जाएंगे। समझते समझते हमको जो समझते जाओ, जितना सीखते जाओ, आप देखिए कि मैक्सिमम प्रैक्टिकल लाइफ में कितना आचरण करने की भी कोशिश करिए। सबके घर में जीव जंतु वगैरह तो है, ये तो कैसे बचाना, रक्षा कैसे करनी, आप अवश्य करिए। हाँ जी, देखिए साहब घड़ी फास्ट चल रही है, अब 3-4 मिनट है, और किसी को प्रश्न पूछना है बोलिए साहब जल्दी। बोलिए अमन जी। हाँ महाराज जी, इरिया समिति के ईरिया समिति है, इरिया समिति है, ईरिया समिति मतलब मात्रा है ई पे की नहीं है इसमें, ईरिया समिति ये बोलते हो, इसका अर्थ करना है या इसका अर्थ करना है? हाँ, इसका ही अर्थ ठीक है। ऐसा भी होता है ना, इसका मतलब हो सकता है, हो सकता है। जी महाराज, अभी हमारी जो दूसरी क्लास है, इसका सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप ये देख लीजिए 1 मिनट और पढ़ लीजिए, ख्याल में आ जाएगा सब। बोलिए कांति भाई, प्रश्न पूछिए। नहीं, वो आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे एरिया या एरिया, तो बीच में आ गई तो कट हो गया आपका वचन, फिर से कहेंगे एरिया या एरिया? ये अर्थमापदी हो जाएगी ना, एरिया शब्द जो है ये लैंग्वेज अर्थमापदी की हो जाएगी भाषा में, ये संस्कृत के या हमारे बोलने के प्रवचन शैली में ये रहेगी। हाँ बोलिए साहब, और किसी को? हाँ जी, प्रश्न है किसी को पूछना है? चलिए 2 मिनट के अंदर आप जो है दूसरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और हम आज यहाँ पर श्रावक जीवन शुरू करेंगे, जैन जीवन शैली की पद्धति। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमो कारो सर्व पाप परासनो, मंगलाणम च सर्वेसिम परमं भवहि मंगलम। मंगलम भगवान नेरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्तोले भाग्याद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलि वन्नतोदम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम,
सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पंडित तो तमो लोग उत्तमो चत्तारि शरणम पव जामी अरिहंते शरणम पव जामी सिद्धे शरणम पव जामी साहु शरणम पव जामी केवली पंडित तम दम्मम शरणम पव जामी सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माण जयनम जयति शासनम। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।